लगता है पूरा नेवला है। सब बेचारे मजदूर बैठे हुए हैं नाना करते हुए, 200 बंदा है। अब इनमें से बेचारों की पता नहीं किसकी दिहाड़ी लगेगी किसकी नहीं। मेरा सबसे फेवरेट जो फ़ोन है अब तक रहा है वो गैलेक्सी S4 है, और ये इस पर मैं कोई 3 दफ़ा 5-6 हज़ार रुपये खर्चा कर चुका हूँ, और अभी ये फिर उस दिन गिरा है और इसका सत्यानाश हो गया। और इंजन से स्मेल आ रही है, और काम भी मैंने ताज़ा करवाया हुआ है इसका, रिंग पिस्टन वगैरह का। तो सही, जिस तरह कोयले गर्म होते हैं इस तरह बाइक। इस साइड पे ये नाले वाला थोड़ा गंद है, बट चलें इसका कुछ कुछ ना कुछ कर लेंगे। ये तो अब इनसे बात होगी तभी पता चल पाएगा कि इसका क्या बनेगा, इनसे मतलब ये बिल्डिंग मिलेगी भी या नहीं। ये वाली जो बिल्डिंग है ये भी हाथ से निकल गई है, इनसे भी बात हुई थी लेकिन ये ऑलरेडी रेंट आउट हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन इससे पहले कि वीडियो के मज़ीद आगे बढ़ाएं, कर ली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें यार, मेरा भी मोरल थोड़ा बूस्ट होता है। और आप कौन सा खर्चा होता है, जस्ट बटन ही दबाना होता है। तो आजकल इस फूल का मौसम है, और माशाल्लाह सुबह सुबह इसकी खुशबू जो है ना, ओहो हो, इस फूल की कुछ मिक्स ही खुशबू है, मतलब चमेली और मोतिये का और कोई मिक्सचर सा लगता है। और अभी कशान साहब और आर्यन साहब को खिलौने वगैरह बाहर रख के दिए हैं धूप में। कशान तो जूते पहनता नहीं है, जो मर्ज़ी कर लो, सॉक्स पहनाए हुए वो भी ज़बरदस्ती, और खेल भी जहाँ पे रहा है, हालांकि कारपेट इधर पड़ी हुई है। और आर्यन जो है वो माशाल्लाह थोड़ा कुलमंद है, उसे जिस चीज़ से मना करो वो मना हो जाता है, लेकिन इसके साथ लड़ाई करनी पड़ती है। खैर अभी जो है मैंने निकलना है बाज़ार, क्योंकि बुकिंग कल मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हो गई थी। बाज़ार थोड़ा लेट ही खुलता है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं रश शुरू होने से पहले चला भी जाऊं और वापस भी आ जाऊं, क्योंकि स्कूल की छुट्टी का टाइम जब हो जाता है तो फिर वहाँ पे बंदा फंस जाता है। और वापस आके ये बेल जो है घिया तोरी की बेल है, इसको भी निकालना है, क्योंकि ये अब खुश्क होगी और बड़ी गंदी लग रही है घर में। हालाँकि हमारे सहन से नज़र नहीं आती, लेकिन इस साइड पर आएँ तो ये मतलब अजीब सी लग रही है। और ग्रोथ इस दफ़ा में लीची के पौधे की अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत ज़बरदस्त है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह इस दफ़ा मेरी मेहनत का फल मुझे ज़रूर देगा और इस पौधे पे अच्छा फल लगेगा। चलो जी, लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई। सो ये पिछले साल जो मैंने इस पर ग्राफ्टिंग की थी मैंगो के पौधे पे, एक ये रही एक ये रही, इनकी ग्रोथ तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये वाली और वो टॉप पे जो दो लगाई हैं, ये सफ़ेद चौंसे की मैंने कलमें लगाई हैं, यहाँ पर तो कहीं पर भी मतलब इस तरह की वैराइटीज़ नहीं मिलती। मैं जस्ट नर्सरी में गया था पौधे लेने के लिए कुछ, तो वहाँ पे मैंने आम के पौधे देखे, मैंने उस नर्सरी वाले से रिक्वेस्ट की है कि मुझे कलमे चाहिए, उसे दे दिए, अभी मैंने लगा दिए। पता नहीं अब इनकी ग्रोथ हो पाएगी या नहीं, क्योंकि ये मोस्टली जो है अगस्त या सितंबर में लगाई जाती हैं, लेकिन इस मौसम में भी लोग लगाते हैं। लेकिन इस्लामाबाद में मैंगो का पौधा जो है वो कुछ खास फल नहीं देता, शौक है बस, फल दे ना दे, ग्राफ्टिंग जो है वो कामयाब होनी चाहिए। तो चलें, ये गपशप होगी काफ़ी, अब निकलते हैं बाज़ार। जाते हुए रास्ते में एक दो काम है वो भी करने, तो होपफुली आज का दिन अच्छा गुजरेगा। अल्लाह हाफिज़ जी, चलें अब निकालते हैं अपना चीता, बल्कि चीता तो अंदर ही है, बल्कि निकालते हैं चीता अपना और निकलते हैं बाज़ार की तरफ इंशाल्लाह। बेटा दादू को तंग नहीं करना, आर्यन आपने भी ओके, दादो की बात सुननी है, बाहर धूप में बैठ के खेलना है, और बिल्कुल दादो की जो बात कहेंगी वो सुननी है आप लोगों ने, ओके मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा, अंडरस्टैंड, हाई फाइव, ओए हाई फाइव, ओए ओए ना। फर्ज तो पूरा कर दिया, पता नहीं अब मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने हामी भर लिया जी, जैसा आप कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। तो चले घुसते हैं अपने गोदाम में, उठाते हैं अपना मालो मता और निकलते हैं बाज़ार। तो बाज़ार के लिए मैं निकले हूँ, और सबसे पहला काम है, अस्सलाम वालेकुम, अच्छा भाई क्या हाल है सर,
शाम भाई से थोड़े लेने हैं रोकड़ा और फिर इंशाल्लाह निकलते हैं बाजार। रास्ते में जाते हुए इसके अलावा भी दो काम है, बट इसकी पता नहीं अब वीडियो बन पाएगी या नहीं, बट कोशिश करूँगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ार से मैं होके आ गया हूँ, सामान भी आ गया है और अभी मैं रुका हूँ खन्ना पुल, क्योंकि बाइक जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और इंजन से स्मेल आ रही है और काम भी मैंने ताज़ा करवाया हुआ है इसका रिंग पिस्टन वगैरह का। तो ओए सही, जिस तरह कोयले गर्म होते हैं इस तरह बाइक गर्म हुआ है और थोड़ी देर वेट करते हैं उसके बाद चल रहे हैं माहद भाई की शॉप पे। ये प्लाजा बन रहा है खन्ना पुल में माशाल्लाह, पता नहीं कोई होटल वगैरह है या कोई और शॉपिंग मॉल वगैरह है, लेकिन माशाल्लाह ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन हो रही है। सो खैर यहाँ पे 10 मिनट वेट करते हैं बाइक का ठंडा होने का, उसके बाद चलते हैं माहद साहब की शॉप पे, फिर निकलते हैं घर। पहुँच गए माहद भाई की शॉप पे, ये है माहद भाई, ये इनका स्टोर है मेडिकल स्टोर। सो इनसे कुछ चीज़ें लेनी थी वो ली हैं, वो रहा अपना चीता शहजादा, सामान बंधा हुआ है। 10 मिनट बैठते हैं माहद भाई के साथ, गपशप करते हैं, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करते हैं और फिर निकलते हैं घर। और होपफुली अभी अरियान साहब को तो बल्कि आज छुट्टी है, चलें, वो टेंशन तो एक उतर गई है। सो माहद भाई से जो चीज़ें लेनी है वो भी ले ली हैं, वो रहा शॉपर। माहद भाई बाकी जो दो चीज़ें रह गई वो कब मिलेंगी? अभी इंशाल्लाह कॉल कर रहे हैं, किसी टाइम भी आ जाएगा, बंदा ना आया तो हम मेरे घर पहुँचेंगे, होम डिलीवरी कर देंगे। चले जी, ये माहद भाई की होगी इनके साथ जुबान, वैसे आज दिन तक तो ये उम्मीदों पर पूरे उतरे, पता नहीं आज क्या करेंगे। ये मेरे फ़ोन है, ये तो वाइफ का था ख़राब हो गया, और ये मेरा था S4 सैमसंग गलेक्सी S4 और ये हुआवे P9। मेरा सबसे फेवरेट जो फ़ोन है अब तक रहा है वो गलेक्सी S4 रहा है, और ये इस पर मैं कोई 3 दफ़ा 5-5-6 हज़ार रुपये ख़र्चा कर चुका हूँ, और अभी ये फिर उस दिन गिरा है और इसका सत्यानाश हो गया है, क्योंकि पैनल इसका बहुत महंगा है और मिलता नहीं है। तो इसका अब देखते हैं किसी दिन किसी दोस्त से कोई हड़प करते हैं इस तरह का फ़ोन, और इसका पैनल जो है वो भी सेट करवाते हैं। बाकी ये वाला जो फ़ोन है इसका भी, ये भी गिरा था, इसका बोर्ड में कोई मसला हो गया है, बाकी इसका पैनल वगैरह फिट है। तो ये रखे हुए मैं, मेरी आदत ये है कि मेरे पास जितने भी अब तक एंड्रॉयड फ़ोन रहे हैं जो ख़राब हो गए हैं वो मैंने सेल आउट नहीं किए, वो मैं अंदर रख देता हूँ, क्योंकि लोग फिर वो मिसयूज़ हो सकता है, डाटा रिकवर हो जाता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने के सेल हो जाएंगे? मेरे ख्याल में 5 से 6 हज़ार के। तो वो जो डाटा है घर की तस्वीरें वगैरह बच्चों की बाकी, वो अगर लीक हो जाए तो वो ज़्यादा बड़ा नुकसान है बनिस्बत इसके। सो जी, हमारे चीते ने पकड़ा है चूहा और इसके साथ घंटा हो गया ये खेल रही है, ये समझ लीजिए शायद ये जिंदा है, और भागती हुई आती है इसे उठा के फेंकती है। अभी वेट करते हैं, ये बन गई पोजिशन और अब भागेगी चूहे की तरफ। चूहा भी काफ़ी बड़े साइज़ का है, लगता है पूरा नेवला है ये। वहां से इधर है कि बाल्टी में ना गिर जाए, बाकी खैर है। मेरी तबीयत आज 2 दिन हो गए शदीद ख़राब है, फीवर होता है, ठीक हो जाता हूँ, दवाई लेता हूँ और फिर जब दोबारा उठता हूँ तो फिर से वही कंडीशन, वही फीवर हो जाता है, समझ नहीं आ रही। और आज सोने पे सुहागा ये हुआ है कि मैंने कफ सीरप था मेरे पास पड़ा हुआ था, क्योंकि खांसी बहुत शदीद थी, वो ले ली है और उससे बिल्कुल दिमाग जो है ना मऊफ हुआ हुआ है, तब समझ नहीं लग रही, नींद आई हुई है और सर चकरार है। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि लेटू रेस्ट करूँ, कि ऊपर से वैसे भी ठंड है, बादल छाए हुए, तो ऐसा ना हो कि जो बेहतरी की तरफ मामलात जा रहे हैं वो मज़ीद बिगड़ जाए। तो इसको खेलने देते हैं चूहे के साथ, मैं करता हूँ रेस्ट और देखता हूँ, अगर तो तबीयत बेहतर समझी तो मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज देखूँगा सुबह, फिर उठ के बना लेंगे बाकी वीडियो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तबीयत कुछ मेरी बहाल हुई है, और अभी मैंने कपड़े वगैरह कर लिए चेंज। ये रहे मेरे शहजादे, ये अपने काम में मशगूल हैं, मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ, और सूरज अभी मशरक की तरफ इस साइड पे है। आप टाइम मुझे सूरज की पोजीशन देख के बता दें क्या टाइम हुआ है, जो लोग सही बताएंगे उनके कमेंट को मैं पिन करूँगा। सो अभी उठाता हूँ अपना सामान वगैरह, हेलमेट ग्लव्स वगैरह, और निकलता हूँ बाजार, और बाकी वीडियो वापस आके इंशाल्लाह
कंटिन्यू करेंगे। इरादा तो ये था कि डायरेक्ट यहाँ से अब बाज़ार ही निकलूँगा घर से, लेकिन चूँकि सामान आज ज़्यादा है और पेमेंट मेरे पास कम है, तो इस वजह से रास्ते से जाते जाते जो रिकवरी हो सकती है वो भी करनी है साथ साथ, ताकि पेमेंट का इशू ना हो। तो अभी पहली शॉप है आगे हमारी इस साइड पे, नीलोर वाली साइड पे अमीर भाई की, वहाँ से लेनी है पेमेंट और फिर मिलना है कारी साहब से, उनसे तो मिलना वैसे भी लाजमी है यार, नेक बंदे। ये सब बेचारे मजदूर बैठे हुए हैं नाना करते हुए, 200 बंदा है। अब इनमें से बेचारों की पता नहीं किसकी दिहाड़ी लगेगी किसकी नहीं, कुछ बहुत परेशान होंगे। अल्लाह सब पे अपना फजल करम करे और हम पे। सो मैं पहुँच गया जी अमीर भाई की शॉप पे, ये रहे हमारे अमीर भाई। अस्सलाम वालेकुम अमीर भाई, क्या हाल है, खैरियत से? सर आपका कोई दुख लगा हुआ था, मैंने सोचा चलिए आपसे मुलाकात कर लेते हैं। सो आमिर भाई से पेमेंट वगैरह ले लिया, इसको डालते हैं पॉकेट में और चलते हैं। सो बाज़ार में पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये रहे हमारे चीते सुफियान साहब, आप जस्ट लिखाते हैं माल जो भी शहजादा यहाँ पे वेला घूम रहे हैं उसे, और लिखा के निकलते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि आज इनकी शॉप पे रश नहीं है, वैसे बाज़ार में रश काफ़ी है। तो चलें अब देखते हैं बाहर किसी को, नोट करवाते हैं सामान और फिर निकलते हैं। नदीम भाई क्या हाल है सर आप? तो बाज़ार से सामान तो मैं ले आया था, और अभी मेरे एक दोस्त हैं उन्हें चाहिए बिल्डिंग रेंट के लिए। सो एक वो सामने वाले प्लाजे में मैंने कुछ शॉप चेक किए हैं, लेकिन वो सूटेबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे पार्किंग नहीं है। और दूसरा इस बिल्डिंग में ये वाला हॉल खाली है, इसकी लोकेशन तो बड़ी खूबसूरत है, इस साइड पे गंदा नाला है और मेन रोड है और पार्किंग भी अच्छी है, और बाकी अंदर इसकी सेटिंग बड़ी ही ज़बरदस्त हुई है। अगर ये इनसे बात हो जाए जो यहाँ के ऑनर हैं, मेरे जो वो दोस्त हैं उनका काम यहाँ पे बड़ा ही ज़बरदस्त हो सकता है, उनका इरादा अभी रेस्टोरेंट वगैरह का है, और ये बिल्डिंग जो है ये बनी भी रेस्टोरेंट के हिसाब से हुई है, अंदर रेस्टोरेंट का फर्नीचर वगैरह भी लगे हुए हैं, इस साइड पे भी सेटिंग वगैरह हुई हुई है। तो ये जो यहाँ के ऑनर हैं इनसे मैं काफ़ी दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ कॉन्टैक्ट करने के, इनके नंबर वगैरह लिखे हुए हैं जो भी यहाँ का रिस्पॉन्सिबल बंदा है, बट उनसे बात नहीं हो पा रही। वो आते हैं उनसे बात करते हैं और फिर इंशाल्लाह चलते हैं। यहाँ से ज़रा देखते हैं लोकेशन इस साइड पे, ये जगह खाली है, ये भी इनसे बात हो सकती है कि ये जगह हमें खाली कर दें, तो ये बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे आउटडोर सेटिंग जो है वो बन सकती है। और इस साइड पे ये नाले वाला थोड़ा गंद है, बट चलें इसका कुछ ना कुछ कर लेंगे। ये तो अब इनसे बात होगी तभी पता चल पाएगा कि इसका क्या बनेगा, इनसे मतलब ये बिल्डिंग मिलेगी भी या नहीं। ये वाली जो बिल्डिंग है ये भी हाथ से निकल गई है, इनसे भी बात हुई थी लेकिन ये ऑलरेडी रेंट आउट हो चुकी थी। तो अब हमारे पास एक वो ऑप्शन है सामने वाली उमर प्लाजा वाली और एक ये। तो अभी मैं इनसे करता हूँ कॉन्टेक्ट वगैरह और होपफुली इनसे रब्ता हो जाएगा। अगर इनसे रब्ता हुआ तो फिर तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा, अदरवाइज़ और जगह देखनी पड़ेगी। तो खैर आज की वीडियो यहाँ पे करते हैं खत्म, ये थी आज की वीडियो। आज की बहुत आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर अपलोड कीजिएगा। सो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।